So next we continue in digestive system. The food are intake in stomach. It is a large organ which extended when food enter. देखिए स्टमक जो है एक्सपेंडेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जैसे फूड आता है ये फैल सकता है, ये फिक्स नहीं होता है। धीरे धीरे खाना हम कई बार कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो कंडीशन उसके हिसाब से क्या है, दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। और ये ज्यादा जैसे फूड इंटेक होता है इसका साइज क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, फिर एक्सटेंड हो जाता है। अब यहाँ देखिए इट वॉल हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड, इट सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। इसके जो वॉल है यहाँ पे छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड कहलाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कुछ जूस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस में इंक्लूड होते हैं HCl, पेप्सी एंड म्यूकस, ये तीनों मिक्स रहते हैं, HCl, पेप्सी एंड म्यूकस, क्लियर। सब देखते हैं रोल क्या क्या है। HCl मतलब एक एसिड है, जल्दी देखो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अब यहाँ पे HCl इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, ये क्या करता है फूड को इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। जो पेप्सिन के एक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है, मतलब पेप्सिन अपना वर्क करता है। सेकंड थिंग HCl एसिड है, एसिड का नेचर क्या होता है, जब ये एसिड किसी चीज को डालते क्या करता है, पिघल जाता है। वैसे नेचर जैसे फूड आता है, HCl क्या करता है, फूड होता है जैसे आप फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं डायरेक्ट, ये क्या होता है यहाँ पे पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कौन कन्वर्ट करेगा उसको, HCl जो है उसको तोड़ता है, एक एसिड है। जनरली बोला जाता है कि आपके स्टमक में इतना एसिड होता है कि यदि कील को भी यदि आप डाल दो तो भी क्या हो सकता है, पिघल सकता है, क्लियर। अब उसका हमारे बॉडी में इफेक्ट क्यों नहीं होता, तब याद रखते हैं कि इतना HCl खतरनाक फिर भी हमारे स्टमक में उसका इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्लियर। तो यदि HCl का सेक्रेशन एक बार देखें, हमें एसिडिटी होती है, एसिडिटी मतलब एसिडिक नेचर होता है, जैसे कुछ खट्टा हो रहा है खा लिया उस कंडीशन में, तो रीजन क्या आइडिया आपके स्टमक का नेचर एसिडिक है, मतलब HCl है वहाँ पे, और कुछ खट्टा खाने का नेचर का तो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने से वहाँ पे कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाता फूड का, फूड का बर्निंग नहीं होता तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनने से क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है, क्लियर। खट्टी ढकाना, गैस बनने, ये सब रीजन होते हैं। एक चीज़ और आपको बतानी थी, जैसे यहाँ पे देखिए कौन सा जूस का सेक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस। जनरली बोला जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद, तुरंत पहले या खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, दैट द रीजन। जब फूड आता है, जैसे फूड इंटेक होता है, ये इसके एक्टिव हो जाते हैं ग्लैंड, ग्लैंड एक्टिव होते निकलता है गैस्ट्रिक जूस। यदि आप पानी पहले से पी लेते हैं या तुरंत बाद पी लेते हैं तो गैस्ट्रिक जूस जो है डायल्यूट हो जाता है, डायल्यूट होने से अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो आप खाना खाने के घंटा पहले पानी पीजिए या खाना खाने के घंटा बाद पानी पीजिए, ये कुछ ड्यूरेशन होती है जिसका क्या होता है, डायलूशन हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए HCl का फंक्शन होता है कि ये पेस्ट बनाने में ही पकड़ता है, मतलब भोजन जो होते हैं फूड उसको ब्रेक कराता है, तोड़ता है, पेस्ट बनाता है। सेकेंड है पेप्सिन, पेप्सिन के काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है, क्या करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये भी क्या करता है फूड को ब्रेक करता है। सेकेंड म्यूकस, म्यूकस से क्या होता है, तो म्यूकस जो है इसको लाइनिंग को प्रोटेक्शन करता है। अब देखिए यहाँ एसिड है, एसिड क्या करेगा, स्टमक को जला सकता है, तो ये क्या करते हैं म्यूकस इसको प्रोटेक्शन करता है, ताकि जो है एसिड का यहाँ पे इफेक्ट कम से कम, मतलब अंदर साइड में कम हो, उसके बॉडी में कोई इफेक्ट ना। ये है रोल किसका, स्टमक का। सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो स्टमक का होता है, क्लियर। कई बार देखिए आपको वोमिटिंग वगैरह होती है, मतलब क्या होता है कंडीशन, उस कंडीशन में प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाता, फूड का ब्रेक नहीं हो पाता या अनडाइजेस्टिव होता है, तो वो चीज़ों को आपका जो स्टमक होता है सपोर्ट नहीं करता, वो फिर बॉडी से बाहर आता है। तो क्या क्या होता है, मेन इसमें डालता है अंडरलाइन में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl, पेप्सिन, म्यूकस, सभी के रोल्स हैं अलग अलग। जनरली क्वेश्चन में आता है वाटर रोल ऑफ HCl, सो इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, क्लियर। वाटर रोल आप एंजाइम हो लेंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस, आपको तीनों को लिखना पड़ेगा। चलिए आज के इतने ही, कल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे, इसके बाद फिर देखेंगे लीवर के फंक्शन, पैनक्रियास, गाल ब्लेडर, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, क्लियर। ओके, थैंक यू।